हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ध्रुवी पटेल, टीचर ऑफ श्री विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे माय क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी, यूनिट नंबर 19। कौन सा है? केशव केतन। तो यहाँ पे केशव और केतन के बारे में बताया गया है। ओके, वो दोनों लड़के थे और उनके बारे में कहा गया है। ये पिक किसका है, चित्र किसका है? तो आप यहाँ पे गए हो, हाँ, मेले का। तो यहाँ पे ये मेले का चित्र दिखाया गया है और क्या कहा है? तो सवेरा हुआ तो सुबह होती है। केशव दशहरे का मेला देखने गया। तो दशहरा था ना, दशहरा, तो वो केशव मेला देखने जाता है। केतन भी केशव के साथ गया था। तो केशव मेला देखने जाता है ना, तो केतन भी उसके साथ जाता है। उसने सर्कस देखा। तो वो लोग क्या पहले देखते हैं? तो सर्कस। तो उसमें क्या कर कहा था, कौन क्या कर रहा था? तो शेर दहाड़ रहा था। देखो यहाँ पे शेर दिया गया, शेर है ना, वो क्या कर रहा था? दहाड़ रहा था। फिर हाथी मटक रहा था। देखो हाथी क्या कर रहा है? मटक रहा है। जादूगर जादू के खेल दिखा रहा था। तो ये सर्कस का चित्र है और ये जादूगर अपना खेल दिखा रहा है। फिर क्या कहा है? पढ़ो और समझो। तो पढ़े हम लोग श को एक ही मात्रा शेर, शेर। क को एक ही मात्रा के, ल को आ की मात्रा ला, केला। द को एक ही मात्रा दे, व। त को आ की मात्रा ता, देवता। ब को एक ही मात्रा बेर, तो क्या होगा? बेर। म को एक ही मात्रा में, ल को आ की मात्रा ला, मेला। ग अन को एक ही मात्रा नेश, गणेश। स को एक ही मात्रा सेब, तो क्या होगा? सेब। ब को एक ही मात्रा बे, लन, तो होगा बेलन। ब को एक ही मात्रा बेसन, तो क्या होगा? बेसन। फिर है स, ह को एक ही मात्रा है, ल को बड़े ई की मात्रा ली, स है ली। फिर है ठ, ठ को बड़े, ठ को एक ही मात्रा ठे और र को आ की मात्रा रा, ठ ठे रा। फिर है च, म को एक ही मात्रा में और ल को बड़ी एक ही मात्रा ली, चमेली। फिर है श्रुत लेखन। तो यहाँ पे हमने जो केशव केतन में जो हमने पाठ पढ़ा ना, तो उसमें से कुछ शब्द लिखने हैं, जैसे कि सवेरा, बेलन, देवता, मेला और गणेश। आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे लिखना है। फिर है वाक्य पूरे करो। खाली जगह दशहरे का मेला दिखने गया केशव की केतन। तो केशव मेला दिखने जाता है और केतन को साथ में ले जाता है, तो यहाँ क्या आएगा? केशव। फिर शेर खाली जगह रहा था, तो शेर क्या कर रहा था? दहाड़ रहा था। हाथी मटक रहा था, तो यहाँ दहाड़ आएगा। शेर के बारे में कहा गया है ना, तो दहाड़ आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ो और समझो के शब्द है वो नोटबुक में लिखने हैं, श्रुत लेखन भी नोटबुक में लिखना है और वाक्य पूरे करो वो भी नोटबुक में लिखना है और बुक का भी पेज कंप्लीट करना है। वो आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।